नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आपने देखा यहाँ पे हनुमान जी की एक फोटो लगी हुई है, तो आज मेरे घर कुछ खास है जिसकी वजह से आज हमारे यहाँ कुछ चहलकदमी लगी हुई है। वो कहते हैं ना कि जीवन में सकारात्मक होने के लिए कुछ ऐसा करना चाहिए कि हमारा जीवन अच्छे से निर्विघ्न आगे बढ़े। तो इसी क्रम में हमारे घर मंगलवार को सुंदरकांड का सामूहिक पाठ हुआ, जिसमें मेरे बाबूजी और उनके कुछ करीबी दोस्तों ने मिलकर सुंदरकांड का पाठ किया। तो इसके लिए यहाँ हमारे एक रूम खाली करके उसमें पूरे रूम में हमने कालीन और दरी बिछा दी थी। और ईशान को देखा आपने पूजा करते हुए, बाबूजी ने बोला कि दिया जला दो। फिर मैंने भी यहाँ पे जो दिया जल रहा था, दीपक जल रहा था, उससे मैंने आरती की, अगरबत्ती दिखाई, प्रणाम किया। और ये देखिए ईशान है और ये सुभी है। इन दोनों की इतनी बनती है कि ये दोनों खाते पीते सोते उठते बैठते सब साथ ही हैं। ये देखिए विक्ट्री शाइन दिखा रहे, इनका बहुत बड़ा योगदान था तैयारी में। और ये देखिए सभी लगभग 30-40 लोगों का नाश्ता बनना था, तो मटर छुड़ा के रखा गया था मटर भुनने के लिए। भाभी हैं मेरे साथ किचन में लगी हुई थी, तो मैंने कहा थोड़ा इनका भी वीडियो बना लूँ, आज इनको भी दिखाती हूँ वीडियो में हाय करते हुए। और यहाँ पे सभी लोग हैं तैयारियों में लगे हुए हैं पूजा पाठ की। बाबूजी के सारे मित्र आ चुके हैं। अच्छा लगता है कभी कभी घर पे ऐसा पूजा पाठ करते, थकान तो हो जाती है लेकिन हाँ थोड़ी पॉजिटिविटी हो जाती है कुछ देर के लिए। सो ऐसा होना चाहिए। यहाँ पे ये लोग पूजा की तैयारियाँ शुरू कर रहे हैं। और यहाँ पे शुभी और ईशान सभी को टीका लगा के प्रणाम कर रहे थे। ईशान तो लगा चुका था, अब शुभी की बारी थी। ये उसकी मम्मा हैं, उनको टीका लगाई तो मम्मा ने थोड़ा पैम्पर कर दिया, जरूरी भी है बच्चों को। यहाँ पे पाठ शुरू हो चुका है। और ये दोनों तो पूरे टाइम बाबूजी के आगे पीछे थे, वो जो फोटो लगी भगवान जी उसके बगल में जो बैठे हैं मेरे बाबूजी हैं, यानी कि मेरे साथ। और सभी मित्र मित्र हैं, अभी धीरे धीरे सब लोग आ रहे हैं। और इन दोनों को अटेंड करने के लिए रखा गया था, ये होस्ट थे जो सभी लोग आ रहे थे उनको टीका लगा रहे थे। और यहाँ हम लोग जल्दी जल्दी प्रसाद लगाना शुरू कर दिए थे, ढेर सारा प्रसाद लगाना था। सो मैं और भाभी जल्दी जल्दी मिलके प्रसाद लगा रहे थे। प्रसाद में केला, सेब और पेड़ा और गाजर का हलवा आया था हम लोग को देने के लिए नाश्ते में, क्योंकि बहुत ढेर सारा बनाना था, बन नहीं पाता इतना जल्दी। और यहाँ ईशान भी हम लोग की मदद कर रहा है, मैं भी लगा रही हूँ प्रसाद। फटाफट हम दोनों ने मिलकर, काम आसान हो जाता है दोस्तों जब मिलकर करो ना, बड़ी फैमिली है हमारी, तो अगर काम मिलके ना करें तो फिर दिक्कत होती है, परेशानियां भी होने लगती हैं। तो मन में उत्साह के साथ हम लोग सारे काम मिलजुल कर लेते हैं, जैसा कि आप यहाँ भी देख रहे हैं कि हम दोनों मिलकर फटाफट प्रसाद लगा रहे हैं। रिकॉर्डिंग बहुत अच्छी नहीं हुई है, बच्चों ने ही किया था। और यहाँ देखिए ईशान बोला मम्मी मैं भी लगाऊंगा, तो इसने भी थोड़ा बहुत प्रसाद लगाया। हेल्प करने की इसकी अच्छी आदत है, और हर बच्चे को बचपन से ही ये सिखाना चाहिए कि वो कैसे अपने बड़ों की हेल्प करे, जो कि ज़रूरी है। यहाँ पे सब्जी के लिए आलू छीला जा रहा है, मटर आलू टमाटर और गोभी की सब्जी बनेगी। और यहाँ नाश्ते का जो मटर है वो भुनने के लिए मैंने रख दिया था, ऑलमोस्ट हो चुका था। इन्हें देखिए मस्ती टाइम, ढोलक झाल की आवाज़ से भी मस्ती होती है भाई। एकदम अंतिम तक पहुँच रहा है, हमने भी फटाफट उधर नाश्ता तैयार कर लिया, कॉफ़ी बनाया। देखिए मैं आपको दिखा नहीं पा रही दो दिन से एक जगह रिकॉर्डिंग बच्चे का, हम लोग तैयारी नहीं दी। यहाँ है शुभी का छोटा सा भाई जो अभी 9 मंथ का है, ये भी कीर्तन देख रहा था बार बार। और ये अंकित है। यहाँ ख़त्म होता है दोस्तों, बाय।